कोविड के बाद चीन में निमोनिया के रोगियों की बढ़ती संख्या को लेकर स्वास्थ्य महकमा हुआ सतर्क। प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर जेएलएन अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बाद अब चीन में एक बार फिर फैल रही निमोनिया बीमारी को लेकर देश और प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में हुई मॉक ड्रिल में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने मीटिंग आयोजित कर चिकित्सा उपकरणों सहित आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट आदि की जांच कर समस्त अस्पताल का जायजा लिया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि स्वास्थ्य महकमे द्वारा प्रमुख शासन सचिव के सानिध्य में प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि चीन में निमोनिया के मामले बड़े स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। कोरोना काल के दौरान की गई तैयारियों का पुनः निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है, जिससे कि हालात गंभीर होने पर बिना अतिरिक्त समय गंवाए रोगियों का आसानी से इलाज किया जा सके। इसी के चलते बुधवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, उपकरणों और बेड की जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरण आदि की निगरानी की गई। अति बीमारी से बचाव के संबंध में जारी परामर्श तथा चिकित्सा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर अनिल सामरिया, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सहित सभी विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। जो चीन में जो बच्चों में जो श्वसन रोग की जो समस्या हुई है, उसके संदर्भ में भारत सरकार चिंतित हुई। उस संदर्भ में कल अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने वीसी ली और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इनको अलर्ट मोड पे आने को कहा और उस संदर्भ में आज मॉक ड्रिल रखी गई। और उस मॉक ड्रिल के अंदर जो भी प्रारूप आया, उसकी तैयारी की व्यवस्था के बारे में यह जायजा लिया गया और आज हमारे पास में उसके संदर्भ में पूरी तैयारी कर रखी हमने। मॉक ड्रिल में क्या खामियां रही? मॉक ड्रिल के अंदर अभी खामियां तो ऐसा कुछ नहीं हमारे पास में। इन्होंने बेड के लिए कहा कि आपके पास में इसके लिए सारी के जो बेड हैं वो हमने बेड से हमने चिन्हित कर लिए जो हमारे पास में है, और हर बेड में ऑक्सीजन और आईसीयू की फैसिलिटी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर और बायोकेमिस्ट्री के जांच, माइक्रोबायोलॉजी, एम्बुलेंस, ये सारी के सारी हमने उसको चिन्हित कर लिया और सारे प्रभारी को हमने बुला करके उनको सेंसिटाइज कर दिया कि इसमें अभी हमने रखा है कि अगर कोई भी इंडोर के अंदर जो मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के अंदर जो इसमें हैं, जो मेडिसिन में एल्डरली पर्सन और पीडियाट्रिक्स के अंदर जो 14 से 15 साल के बच्चों को और कोमोर्बिडिटी और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपन ने इसमें हाई रिस्क माना है इसके अंदर, तो ये वाले अगर आते हैं तो इसके लिए उन मरीजों को कहाँ इंडोर करा जाएगा। तो हमने पास में ट्रॉमा वार्ड है, इस ट्रॉमा वार्ड के को हमने पूरा करा है। इसमें यहाँ हमने 22 बेड रखे हैं और आईसीयू में सब में है, सब में वेंटिलेटर हैं इसके अंदर से। हमारे पास में ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, जनरेशन प्लांट है और मैनिफोल्ड है, कंसंट्रेटर की पर्याप्त संख्या है और हमारे पास में जो किट है जो इसकी जांच के लिए जो अपने पास में आरटीपीसीआर किट और इसकी फैसिलिटी, हमारे पास 7 मशीन वर्किंग है। ये सारी की सारी इत्यादि जो प्रारूप हमसे गवर्नमेंट ने मांगा है वो हमने उसका ले लिया है और ये अभी पर्याप्त रूप से संतुष्ट है। 24 तारीख को जो मॉक ड्रिल करवाई थी प्लांट्स की, उसमें 5 प्लांट्स खराब, उस संदर्भ में वो कार्य चल रहा है और शीघ्र ही वो ठीक हो जाएंगे उसके।